स्टूडेंट्स वेलकम बैक विद माय अनदर वीडियो। माय नेम इज आमिर एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है और आप सबका अब रिस्पांस भी दिख रहा है और समझ में आ रहा है कि हाँ आप पढ़ना चाह रहे हो और मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करो यार, मैं तो हूं ना आप सबके लिए, हूँ आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई डाउट होगा तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नीड हुई, जरूरत हुई तो लाइव भी आकर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कभी आप लोगों को जरूरत हो तो बताइएगा, मैं लाइव भी आके आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो मैं उनसे इतना कहना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पे कॉमर्शियल स्टडीज ICSE क्लास 10th और इकोनॉमिक्स क्लास 10th का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स बचे वो मुझे कराने जो कि बाकी स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, तो जो पढ़ना चाहते हो वो जाके पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारा न्यू चैप्टर कौन सा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन पूरा पढ़ लिया था, उसके ऑब्जेक्टिव देख लिए थे और इसी के साथ हमारा सेंट्रल बैंक जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम अपना थर्ड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर, नन्ना सा चैप्टर है, नन्नू सा चैप्टर है। आई थिंक 5 से 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग पूछे, बस वही आपको सिलेबस में, हो सकता है आपको बुक में कुछ और टॉपिक दिया होगा पर उसको नहीं पढ़ना है, आप अपने सिलेबस से मैच कराइएगा फिर। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा क्योंकि आप में सिर्फ और सिर्फ इसकी मीनिंग पूछा है। छोटा सा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको आज ही कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस, अब ये बताइए पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब नॉर्मली हम लोग सोचते हैं जैसे कि हम हो गए, आप हो गए। ठीक है, जो पब्लिक जनता जो होती है उनको हम लोग समझते हैं, बट इकोनॉमिक्स में यहां पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है बच्चों पब्लिक का मतलब? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चूज कौन करता है? पब्लिक ही तो चूज करती है, हम और आप मिलकर ही तो चूज करते हैं। जो लीडर्स चूज करते हैं, जो सरकार को लाते हैं, उनको कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हम पब्लिक बनाते हैं। तो इसलिए पब्लिक को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है? गवर्नमेंट। तो यहां पर पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगला टर्म क्या है बच्चों? फाइनेंस। अगला टर्म क्या है हमारा? फाइनेंस। फाइनेंस का जब भी नाम आता है तो किससे रिलेटेड होता है वो? किससे रिलेटेड होता है जल्दी सोचे? मनी से। किससे रिलेटेड होता है? पैसों से रिलेटेड होता है। तो फाइनेंस का मतलब यहां पर पैसों से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंस का मतलब यहां पर होता है इनकम और, एक मिनट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब पब्लिक का मतलब यहां पर गवर्नमेंट और फाइनेंस का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर, मींस गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट की क्या इनकम है, मतलब गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाती है, किस तरह से अपनी इनकम करती है, और दूसरा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के क्या खर्चे हैं, गवर्नमेंट खर्चे कहाँ करती है, कैसे करती है, कितना करती है, या फिर पैसे को अर्न कहाँ से करती है, कहाँ कहाँ से उनकी इनकम होती है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चों? गवर्नमेंट। और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं, ये चीज हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलो जो है डिफिनेशन के साथ देखते हैं, समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है और अच्छे से। ठीक है, तो बोल रहा है द वर्ड पब्लिक इज यूज टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए अभी मैंने बताया था पब्लिक किसके लिए यूज होता है, ये वर्ड गवर्नमेंट के लिए होता है। गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। चाहे वो केंद्र की सरकार हो यानी सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लोकल हो, ठीक है, मोहल्ले वाली हो, सभासद वाली हो, पार्षद वाली हो, चाहे फिर वो हमारे सीएम वाली हो, ठीक है, स्टेट वाइज हो, तो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, सबके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है यहाँ पर? पब्लिक। व्हाइल फाइनेंस सिंपली मींस मॉनेटरी रिसोर्सेज, व्हाइल जबकि फाइनेंस का मतलब किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मॉनेटरी, यानी कि पैसों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब आगे देखो, यहां से अच्छे समझना, पब्लिक फाइनेंस मींस दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। पब्लिक फाइनेंस क्या है?
एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पर वेयर वी डिस्कस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जहां पर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं रेवेन्यू के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू का मतलब अर्निंग कहां से होनी है, अर्निंग कहां से होती है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के क्या खर्चे होते हैं ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या रेवेन्यू है और गवर्नमेंट के क्या एक्सपेंडिचर है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो ये होती है हमारे पब्लिक फाइनेंस की डिफिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब एक वर्ड कभी कभी पूछ सकता है आपसे कि प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, पूछ सकता है बच्चों कि प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, या फिर पूछ लिया कभी आपसे पेपर में कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस बताओ। तो प्राइवेट फाइनेंस का मतलब होता है बच्चों कि जैसे इंडिविजुअल मतलब जैसे यानी कि मैं हो गया, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, तो मतलब वो इंडिविजुअली मतलब मान लो इंडिविजुअली मतलब अलग अलग उनकी क्या इनकम है, इनकम का क्या सोर्स है, ठीक है, और उनके क्या एक्सपेंडिचर है। मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की, किसी एक पर्सन की इनकम कहां से आती है और उनके खर्चे कहां होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस में लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या खर्चे होते हैं, कहां से इनकम आती है, कहां पे खर्चे होते हैं। और प्राइवेट फाइनेंस में हम लोग इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, अलग अलग लोगों की, मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी हो गया, उनकी इनकम कहां से आती, उनके क्या खर्चे होते हैं, उनके क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस। आई होप क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड तीन चैप्टर है जो हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। देख लिए कौन कौन से, ये भी आप, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पब्लिक फाइनेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, पब्लिक रेवेन्यू के बाद है हमारा पब्लिक सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बाद लास्ट चैप्टर जो है हमारा इससे रिलेटेड पब्लिक डेब्ट, क्या है, पब्लिक डेब्ट, ठीक है, गवर्नमेंट कर्ज किया, कर्जे वगैरह क्या है। तो पब्लिक फाइनेंस हम लोगों ने आज देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर देखेंगे और पब्लिक डेब्ट देखेंगे, और इससे ये भी सारे चैप्टर जो है खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपका टर्म टू का थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसका छोटा सा नोट्स है, एक पेज का है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बाकी स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? हाँ ठीक है, आई थिंक ले लिया, चलो तो ठीक है, तो इसको पढ़ना एक बार, रिवाइज देख लेना, दो नंबर के मार्क्स में आपके डिफिनेशन आ सकती है कि पब्लिक फाइनेंस क्या होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।